दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार संतोष यादव, राष्ट्रीय महासचिव जेएफएम मिल्ट इंडिया, ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया, जो कि राष्ट्रीय संगठन है, और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस, लैब ओनर्स के हितों में अधिकारों के लिए पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है, संघर्ष कर रही है। एक बेहद ही महत्वपूर्ण और अति संवेदनशील विषय या कहने सूचना उनके लिए जिन्होंने DMLT या BSc MLT करने के बाद अपने पिछले कई वर्षों से पैथोलॉजी लैब का संचालन कर रहे हैं, उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना है। उनके लैब के संचालन से संबंधित, लैब के रजिस्ट्रेशन से संबंधित एक नई सूचना, नया नियम अभी हाल ही में सरकार के द्वारा जारी किया गया है, और ख़ास तौर से उन साथियों के लिए जो उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभिन्न जिलों में अपनी पैथोलॉजी लैब का संचालन कर रहे हैं और उस लैब का रजिस्ट्रेशन या तो उनकी लैब का रजिस्ट्रेशन MD पैथोलॉजिस्ट के नाम से होगा या फिर उनकी लैब का रजिस्ट्रेशन MBBS के नाम से होगा। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, पूरा सुनना है आपको, पूरा सुनेंगे आप, समझेंगे तो आप निर्णय ले पाएंगे कि आपका भविष्य किस तरफ की ओर जा रहा है। तो मैं विशेष तौर पे बहुत ही गहराई से और पूरी संवेदनशीलता के साथ में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, साथ में सॉल्यूशंस या हल की भी बात हम करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप सुनें, पूरा वीडियो जरूर सुनें, इन्फॉर्मेशन को देखें। मेरे लेफ्ट साइड में एक न्यूज़ की कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि अब लैब का रजिस्ट्रेशन CMO नहीं DM करेंगे, अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नया नियम बनाया गया है जो कि अगले वित्तीय वर्ष से स्टार्ट होगा, जिसके अनुसार जो लैब का रजिस्ट्रेशन पहले या नर्सिंग होम, हॉस्पिटल या पैथोलॉजी लैब का रजिस्ट्रेशन, इनका रजिस्ट्रेशन पहले CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास या उसके कार्यालय के द्वारा किया जाता था और विशेष तौर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया जाता था। परंतु अभी नया नियम ये बना है कि अब जो भी नर्सिंग होम हैं या हॉस्पिटल्स हैं या डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं या पैथोलॉजी लैब हैं, उनका रजिस्ट्रेशन अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात जिला अधिकारी DM कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा और उसकी निगरानी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर के द्वारा जो टीम होगी वो करेगी डायरेक्ट। इसका अर्थ ये होता है कि अभी तक आप सब लोग जो पैथोलॉजी लैब चला रहे होंगे डिप्लोमा करके और डिग्री करके, वो लोग भली भांति परिचित है, अच्छे से जानते हैं कि उनकी लैब का रजिस्ट्रेशन किसके नाम से है और वो व्यक्ति जिसके नाम से है वो कितना समय आपकी लैब में देता है या वाकई में है। तो अब जो जुगाड़बाजी जो चलती थी कि CMO के पास या CMO के ऑफिस में या BMO के पास, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पास जो जुगाड़बाजी से संचालन होता था, अब उस पर जो है सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उस पर नकेल कसने की तैयारी कर चुकी है और ये अगले वर्ष से अर्थात 2022 से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इससे कहीं ना कहीं जो डिप्लोमा या डिग्री करने वाले लोग हैं DMLT करके और BSc MLT करके, BMLT करके अपना लैब का संचालन कर रहे हैं, उनके लिए एक भयावह स्थिति बन सकती है। क्योंकि जब अभी तक क्या होता था कि जो CMO था वो मेडिकल से ही था, MBBS MD था, तो वो चीज़ों को समझता था और उस हिसाब से अपने मैनिपुलेट करते थे। परंतु अब डायरेक्ट वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास या कलेक्टर के पास ये अधिकार आ गया है, तो उसकी निगरानी प्रॉपर तरीके से होगी और जो बीच में जो जुगाड़बाजी से जो चीज़ें होती थी वो हो पाना अब असंभव सा प्रतीत हो रहा है या आगे भविष्य में होगा। तो इसके लिए अब मैं लगातार स्क्रीन पर जो है लेफ्ट साइड में नियम जो फोटो आई है न्यूज़पेपर में छपी है, अलग अलग न्यूज़पेपर्स के द्वारा जारी किया गया है और ये ऑथेंटिकेट रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ये जारी किया गया है, अगले साल से ये इम्प्लीमेंट हो भी जाएगा। तो अब आप लोगों ने सोचना है कि किस तरीके से जो है आप अपने भविष्य में जो आने वाली समस्या है उसके निराकरण के लिए तैयार हो पाएंगे। अब हम हल की बात करते हैं, सोल्यूशन क्या है। ये तो समस्या हो गई,
अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आप नीचे जो है देख पा रहे होंगे कि पट्टी में संगठन का नाम दिख रहा है और फोन नंबर भी दिख रहा है। तो आप अपने जिला लेवल के संगठन को मजबूत कीजिए। सभी पैथ लैब ओनर्स जो डिप्लोमा या डिग्री करके लैब का संचालन कर रहे हैं, सभी संगठित हो जाइए और संगठित होकर के इस समस्या के लिए जो है कोई सोल्यूशन या हल निकाला जाए और सरकार से बात किया जाए। जैसा कि हम जेफ मल्टी राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से विगत कुछ वर्षों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो बेसिक लैब्स है जिसमें 30 टेस्ट का प्रोविजन दिया गया है उसको या उसकी उस टेस्टिंग करके उस रिपोर्ट को जो है डिप्लोमा या डिग्री धारी हस्ताक्षर के साथ में दे सके, इस पे हम लगातार कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हम सब लोग संगठित तो नहीं हैं, इस वजह से जो है कहीं ना कहीं संगठित तो नहीं होने की वजह से जो है ये नियम इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ। और हमारे बहुत सारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिले इस बात से अवगत हैं कि जो बेसिक लैब की रिपोर्ट्स हैं उस पर हस्ताक्षर देने करने का और देने का अधिकार भी भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, परंतु उसे हम लागू नहीं करवा पा रहे क्योंकि संगठित तो नहीं है हम। तो मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अपने राष्ट्रीय संगठन जेएफए मल्टी इंडिया से जुड़े, अपने जिले के संगठन को मजबूत कीजिए, जितने भी पैथ लैब ओनर्स हैं मजबूती के साथ में संगठन के साथ जुड़ जाए, ताकि जो आने वाली समस्या है इसको आप हल्के में मत लीजिए कि अभी तक जो आप जुगाड़ से चला लेते थे कि मैं बहुत, चूंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर फेसबुक पर सब जगह चलेगा, तो इसमें मैं ओपनली कोई बात नहीं कह रहा हूँ, आपको सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि जिस तरीके से जो हम जुगाड़ से चीजें कर पा रहे थे वो उसमें समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए एक लीगल तरीके से लैब का संचालन करने के लिए प्रयास कीजिए, और प्रयास करने के लिए पहले आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता था, आपको लगता था कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर हम अपनी बात कह सके या वो प्लेटफॉर्म हमारी बात को सरकार तक पहुंचा सके। अब एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, एक आपका संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, बहुत सारे जिले के लोग जुड़े हुए हैं, आप अपने जिले के लोगों के साथ में जुड़िए और संगठन को मजबूत कीजिए। अभी जो आपस में जो टकराहट है उस टकराहट को खत्म करके जितने भी लैब ओनर्स हैं जो कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो एक साथ संगठित हों, अपने जिले के संगठन को मजबूत कीजिए, ताकि हम जो हमारी लड़ाई है, जो हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, अपने हमारा काम हमारा हमारा काम हमारा हस्ताक्षर की बात कर रहे हैं, उसको हम प्रभावी तरीके से जो अपने उत्तर प्रदेश राज्य में लागू करवा सके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने बात कही है वो समझ में आई होगी और आप उचित निर्णय ले पाएंगे। आपके पास प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, अपने के पास संगठन है, संगठन से जुड़िए, ताकि आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। धन्यवाद।